लखीमपुर हिंसा के विरोध में सोमवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था, वहीं भंडारा में भी बंद का मिलाजुला प्रतिसाद मिला। महाविकास आघाड़ी द्वारा शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर से गाड़ी ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या की। इसी घटना के विरोध में सोमवार को महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंद का ऐलान किया था। इसी बंद का भंडारा शहर में मिला जुला असर दिखा। सुबह कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाकप साथ ही अन्य संगठनों ने मिलकर शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर भंडारा बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन व्यापारियों ने दोपहर तक दुकानें बंद रखी। वहीं दोपहर के बाद अधिकांश दुकानें खोली गई। आंदोलनकर्ताओं ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। किसानों की हत्या, मोदी सरकार किसान विरोधी, काले कानून वापस लो, महाराष्ट्र बंद सफल हुआ, भंडारा बंद सफल हुआ। किसान सरकार के एक मंत्री के बेटे ने किसानों के हक में आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चलाकर उनके हत्या कर दी। उस हत्या के निषेध में आज जो महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का जो निर्णय लिया था उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सहयोग दिया, सहकार्य दिया, सक्रिय सहभाग रहा, हम निषेध करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार तथा उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय शर्मा को निष्कासित करने की हम मांग करते हैं। पिछले 10.5 महीने से दिल्ली में जो किसान विरोधी कायदों को रद्द करने की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन कर रहे थे। ये शांतिपूर्ण लोकशाही तरीके से जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए मोदी सरकार के मंत्री के बेटे ने उस